मूसावाला हत्याकांड का क्या है आईएसआई कनेक्शन? मूसावाले को खालिस्तानी आतंकी ने उतारा मौत के घाट। लॉरेंस बिश्नोई के कैसे जुड़े आईएसआई से तार? आप हैरत में पड़ जाएंगे जब आप सुनेंगे मूसावाले की हत्या के पीछे किस शातिर का हाथ है। जी, मूसावाले हत्याकांड की पड़ताल में मानो रोज एक से बढ़कर एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अब एक ऐसा ही खुलासा हुआ जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। दो दिन पहले ही पुणे ग्रामीण पुलिस को इस मामले में बहुत बड़ी सफलता मिली थी, जिसमें पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई के खास गुर्गे सौरभ महाकाल को गिरफ्तार किया था। वही सौरभ महाकाल जिसने सलमान खान को मूसावाला बनने की धमकी दी थी। चौकिए मत, आपको बता दें कि अब जो खुलासा हुआ है वो खुद सौरभ महाकाल ने किया है। उसके मुताबिक मूसावाले के असली हथियारों के राज से पर्दा उठ सकता है। जब से मूसावाले की हत्या हुई है तब से ही पुलिस की शक की सुई लॉरेंस बिश्नोई पर टिकी हुई है। उसी लॉरेंस बिश्नोई को लेकर पुलिस की गिरफ्त में आए सौरभ महाकाल ने खुलासा किया है कि लॉरेंस बिश्नोई किसी और के लिए नहीं बल्कि हरिंदर सिंह उर्फ रिंदा के लिए काम करता है। वही रिंदा जो खालिस्तानी आतंकी भी है और उसके तार सीधे तौर पर आईएसआई से जुड़े हुए बताए जाते हैं। और रिंदा ने आईएसआई के कहने पर इस हत्या का जिम्मा बिश्नोई को सौंपा था, जिसको अपने उसने कुख्यात गुर्गों से अंजाम दिलवाया। आपको बता दें कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन यानी कि इंटरपोल ने रिंदा के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी कर दिया है। इसीलिए भारत के खुफिया तंत्र की शक की सुई पाकिस्तान पर घूमती हुई दिखाई दे रही है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ये पंजाब में सिख समुदाय को बांटने की सोची समझी साजिश भी हो सकती है। तो जान लीजिए इस हत्याकांड के मास्टरमाइंड की हिस्ट्री शीट है क्या, और ये हरिंदर सिंह उर्फ रिंदा जिसने मूसावाले को उतारा मौत के घाट वो है कौन। सूत्रों की माने तो ये हरिंदर सिंह उर्फ रिंदा आईएसआई के लिए काम करने वाले शख्स में से एक है जो खालिस्तानी आतंकी भी है। ये हमेशा ही भारत के पंजाब राज्य को अलग देश बनाने की मंशा रखने वाले लोगों में से एक है। अब ये भी जान लीजिए कि क्या है इस काले करतूतों की दास्तान। हरियाणा के करनाल को दहला देने की पड़ोसी मुल्क की घनौनी साजिश में भी इसी का नाम बताया जाता है। इस मामले में जब पुलिस ने करनाल से चार आतंकियों को गिरफ्तार किया था तब उन्होंने इसी का नाम हमले की प्लानिंग के मुख्य साजिशकर्ता के रूप में बताया था। इससे पहले आईएसआई समर्थक रिंदा का नाम खालिस्तानी समर्थक जगजीत सिंह ने भी लिया था। जब जगजीत को पुलिस ने हथियारों के जखीरों के साथ गिरफ्तार किया था, उसकी मंशा थी पंजाब की राजधानी में बड़ा बम धमाका करने की, और इसका साजिशकर्ता हरिंदर सिंह उर्फ रिंदा ही था। अब आप ये जानकर हैरत में पड़ जाएंगे जब आप सुनेंगे कि पिछले साल 23 दिसंबर को लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट में भी इसी का हाथ बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी तो नहीं की, लेकिन जो भी 6 आतंकी गिरफ्तार हुए वही इसी गैंगस्टर के गुर्गे ही बताए जाते हैं। इसके कारनामों की लिस्ट लंबी है, क्योंकि 2014 में पटियाला जेल में हमले से लेकर 2016 में पंजाब यूनिवर्सिटी में बिना किसी खौफ के स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पर गोलियां चलाने का आरोप भी इसके सर पर है। 2017 में होशियारपुर के सरपंच की सरेआम हत्या कर दी गई थी, और माना जाता है कि इसी के इशारे पर यह हत्या की गई थी। अब आप समझ ही गए होंगे कि जुल्म के दलदल में फंसा ये आतंकी कितना खतरनाक है। जिस तरह से भारत का खुफिया तंत्र लॉरेंस के गुर्गों की फिराक में है, उम्मीद है कि जल्द ही मूसावाला हत्याकांड के सभी आरोपी सलाखों के पीछे होंगे। मगर अब तक जितने भी खुलासे हुए उन खुलासों के केंद्र में लॉरेंस बिश्नोई ही दिखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया।